बरेलीनाथ नगरी में नवरात्रि के पावन त्योहार पर गुरुवार को नवमी पर व्रती महिलाओं एवं पुरुषों ने हवन कर पूर्णाहुति के बाद कन्याओं को भोजन कराया। इसी के साथ ही तिलक रोशना कर दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। इस दौरान नवदुर्गा मंदिरों में भी भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह 4 बजते ही घरों में हवन होने की खुशबू चारों ओर महकने लगी। इसी के साथ ही शंख और घंटा की ध्वनियां भी गूंजने लगी। वैदिक मंत्रोच्चारण के बोल दूर दूर तक सुनाई देने लगे और 5:30 बजते ही गलियों में कन्याओं की भीड़ आने जाने लगी। लोगों ने हवन पूजन के बाद कन्याओं को भोजन कराया, दान दक्षिणा देकर सुख समृद्धि की कामना कर कन्याओं को श्रद्धा भाव से विदा किया। नवदुर्गा मंदिर 84 घंटा मंदिर में भी भक्तों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इसी के साथ ही व्रती महिलाएं पूर्ण आहुति और कन्या खिलाने के बाद माता रानी को प्रसाद चढ़ाकर क्षमा याचना करती हुई दिखी। वहीं नवदुर्गा मंदिर में हलवा वितरण पुलिस कर्मियों के द्वारा किया जा रहा था। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी पुलिस के द्वारा किए गए थे। 84 घंटा मंदिर के बाहर तो जाम जैसे हालात थे। बदायूं रोड स्थित 84 घंटा मंदिर पर दूर दूर तक भक्त माता रानी की पूजा करने में पहुंच रहे थे। नवदुर्गा डीडीपुरम मंदिर का भी यही हाल था। नवदुर्गा मंदिर में जबरदस्त भक्तों की भीड़ देखने को मिली।